हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बिग स्टोरी। ईयर 2012 की इस आखिरी बिग स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे बिगेस्ट डिबेट्स ऑफ 2012, जिसके बारे में आपको बताएंगे बिग स्टोरी के रिपोर्टर्स। 10 जुलाई 2012 इंडियन सिनेमा के इतिहास में ये वो दिन था जब पहली बार किसी फिल्म मेकर ने खुलेआम शादी की वजह से किसी एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में साइन करने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने करीना कपूर को अपनी फिल्म में इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि वो शी वाज गेटिंग मैरिड वेरी सून, जिसके बाद बॉलीवुड में छिड़ गई एक नई बहस। क्या हीरोइन के लिए है शादी उनके करियर की बर्बादी? पेपर में प्रिंटेड ये खबर कि संजय लीला भंसाली ने करीना कपूर को अपनी फिल्म राम लीला में इसलिए कास्ट नहीं किया क्योंकि उनकी शादी होने वाली है, बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। कई सवाल सामने आए, क्या शादीशुदा हीरोइन का बॉलीवुड में कोई करियर नहीं होता? क्या हीरोइंस को टॉप पर बने रहने के लिए अपनी वेडिंग को अवॉइड करना होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ऑडियंस एक शादीशुदा हीरोइन को सिल्वर स्क्रीन पर नहीं देखना चाहती? वेल, बिग स्टोरी की टीम ने इस पर एक बड़ी डिबेट कराई। एक बार जब शादी हो जाती है हीरोइन की तो एक थोड़ा सा चार्म तो चला जाता है क्योंकि जो मेल ऑडियंसेस हैं उनको लगता है कि चलो हमारे जिस जो एक मेल ऑडियंस की फैंटेसीज होती है हीरोइंस के साथ वो डिमिनिश हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये शादीशुदा हो गई। तो चार्म जो होता है एक अनमैरिड गर्ल का, वुमन का, एक मैरिड वुमन के साथ तो डिमिनिश तो हो ही जाता है। यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, you have a boyfriend, you have a girlfriend, doesn't matter to the audience. I think they just want to see a really good movie and a great performance. मुझे लगता है ज़िंदगी में आपके जो priorities हैं वो बदल जाती हैं शादी के बाद especially. तो I just think that वो definitely वो दौर आ गया है मेरी ज़िंदगी में और हाँ मेरी priorities बदल गई हैं अब क्योंकि मैंने काफ़ी समय काम किया है। so, you know, I've really been there, done that. तो जब कुछ ऐसा मतलब कमाल का मतलब धांसू कोई पिक्चर आएगा मेरे पास तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ऑल्टर करने की सोचूं भी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आई एम रियली एंजॉयिंग यू नो मेकिंग माय होम एंड लुकिंग आफ्टर द वेरियस बिजनेसेस दैट आई हैव पुट माय नेम टू माय मनी इनटू। तो मेरे लिए अब दैट्स बिकम प्रायोरिटी। आई थिंक देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। There's a right time for a person to enjoy her career. There's a right time for a person to enjoy her marriage. There's a right time for a person to enjoy the family she makes. Those are my kids. And then there's a right time to start work again, but at your own pace. And that's what I've exactly done. I think perception definitely badalta hai. Aur log sochte hain ki shayad ab aap itne serious nahi hain ya aapke paas itna samay nahi hai aapki career ke liye. Shayad aap you know ek koi call aayega aur aap shayad uth ke you know just pack your bags and you will leave. But I think the idea is to make them understand that you are professional, you are committed, you want to do what you're doing, and you love doing what you're doing, and you're here for good. So I think जब वो convince हो जाते हैं and they know कि आप भागने नहीं वाले कहीं and you do your job, you know, being desirable on screen really well, I think it all fits in and doesn't matter. डिबेट से इतना तो क्लियर हो ही गया कि आप मानिए या फिर ना मानिए, लेकिन आंकड़े यही बताते हैं कि बॉलीवुड में शादी है करियर की बर्बादी। साल 2012 में एक बात आम रही और वो ये कि मीडिया के सवालों पर स्टार्स का गुस्सा, या तो स्टार्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बीच में ही छोड़ के चलते बने या तो स्टार्स ने मीडिया को ही इंट्रोस्पेक्शन की नसीहत दे डाली। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, डू स्टार्स रियली ओवर रिएक्ट? Or is media really crossing its limits? लड़ते स्टार्स, भड़कते स्टार्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चलते स्टार्स। इस साल भी ऐसे कई किस्से हुए जब स्टार्स मीडिया पर भड़के। डिबेट से पहले भड़कते स्टार्स की एक झलक आप देख लीजिए। पागल है क्या कर रहा है? Why do you care? Why do you care? बस हो गया ना, अभी और क्या एक्टिंग? आप कितने बकवास सवाल कर रहे हैं? आप लोग का प्रॉब्लम है कि कोई इडियट बकवास लिखता है और आप लोग वो बकवास को मान लेते हैं। By being extremely loud doesn't mean I'll answer your question, sir.
यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मीडिया अपने लिमिट क्रॉस करती है या फिर स्टार्स करते हैं ओवर रिएक्ट। वेल, इस मुद्दे पर बिग स्टोरी ने एक बड़ी डिबेट कराई। मीडिया शुड डेफिनेटली नो व्हेन दे आर इंटरव्यूइंग पीपल और आस्किंग क्वेश्चंस, दे शुड गिव द पर्सन सम रिस्पेक्ट, बिकॉज व्हेन वी टॉक टू यू गाइस वी गिव यू रिस्पेक्ट बाय डूइंग सो। So I'm just expecting mutual respect here. ये स्टार्स और मीडिया की रिलेशनशिप इज़ लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। तो कभी कभी हस्बैंड गलत होता है, कभी कभी वाइफ गलत होती है। बेसिकली सो इट इज़ बोथ ऑफ देम आर इक्वली टू ब्लेम एट टाइम्स। दे हैव टू से सॉरी एंड दे मेक अप, बिकॉज द बिजनेस ऑफ द मीडिया इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। दे आर द मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट देयर टू क्रिएट द इन्फॉर्मेशन, राइट। और स्टार्स इसलिए हैं, वो चाहते हैं कि उन वो प्रमोट किए जाएँ, उनके ग्लैमरस पिक्चर छपें और उनके बारे में स्टोरीज आएँ। तो जब नए होते हैं तो सबको अपने लिविंग रूम में बुला लेते हैं, सारे जर्नलिस्ट को अपने लिविंग रूम में बुला लेते हैं, बोले चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। उसके बाद जब वो बेडरूम में झांकने लगते हैं तो फिर थोड़ा वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। समटाइम्स यू कैन शूट ओवर समबडीज बैक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज गेटिंग अफेक्टेड, यू नो द लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड, यू आर एम्बैरस्ड बाय इट। आई डोंट फाइंड द नीड टू एक्चुअली कम आउट एंड कॉन्ट्रडिक्ट एवरी रॉन्ग स्टोरी अबाउट मी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ रॉन्ग रिपोर्टिंग करते हो, आप बहुत सही रिपोर्टिंग भी करते हो, बट कभी कभी एक कुछ गलत ऐसे ही सोर्स के नाते निकल जाता है और बहुत बुरा लगता है। The media does lack sensitivity at some times, especially in these issues and talking about women's pregnancy and affairs. ये public forum में पूछना सही नहीं है। जब आप press conference में जाते हो, you know, in front of 100 media, you cannot ask this question. अगर आपके पास 101 interview हो, आप you know अकेले में पूछ सकते हो। So it's much easier for a star also. At the end of the day, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, they are human beings. सेलिब्रिटीज़ है श्योर, लेकिन उनकी भी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, तो और शायद उनको बताना भी नहीं है, लेकिन एक लाइक आई सेड पहले पूछने का तरीका सही होना चाहिए। एंड येस, द मीडिया डज क्रॉस द लाइन वेरी ऑफन आई थिंक। डिबेट से इतना तो क्लियर हो ही गया कि मीडिया डेफिनेटली कभी कभी क्रॉस करती है अपनी लिमिट। लेकिन हाँ, स्टार्स को भी समझना होगा कि वो पब्लिक फिगर हैं, इसीलिए मीडिया तो उनसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछेगी ही। साल 2012 में खूबसूरत हीरोइंस और टॉप मॉडल्स के पीछे बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म मेकर्स को भागते देखा गया। टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के बदले पॉपुलर फिल्मों में ब्यूटी पेजेंट विनर्स को कास्ट किया गया, एंड दिस इग्नाइटेड अ बिग डिबेट इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या बॉलीवुड ब्यूटी के लिए करता है टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज? स्क्रीन पर आपने हमेशा दिलकश, हॉट, सेक्सी, ग्लैमरस और सेंसुअस हीरोइंस को ही देखा होगा। ऐसी हीरोइंस जिनमें आपको शायद टैलेंट और एक्टिंग तो ज्यादा नजर नहीं आई होगी, लेकिन हाँ, सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी भरपूर। वेल, इस टैलेंट ने इस साल भी बॉलीवुड में कई सवाल खड़े किए। क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टैलेंट से ज्यादा ब्यूटी को तवज्जो देती है? क्या इंडियन सिनेमा में हीरोइंस का खूबसूरत दिखना जरूरी है? क्या आर्ट और सिनेमा की दुनिया बॉलीवुड को हम सिर्फ खूबसूरती में तौलकर एक गलत ट्रेंड की शुरुआत कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड ब्यूटी के लिए करता है टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज? वेल, इस मुद्दे पर बिग स्टोरी ने एक बड़ी बहस कराई। Yes, it is true that actresses are supposed to look like demigoddesses. They're supposed to look like epitome of beauty and, you know, fashion fairies on cinema. Despite of whatever role they're playing, this even if they wake up early in the morning, they're supposed to look just so serene and divine and beautiful. But I sincerely hope as an actress that this trend changes. आई थिंक सी विजुअल मीडियम है तो आपको अच्छा लगना मतलब ऑलवेज हेल्प्स। मैं नहीं कहती कि वो ही सिर्फ एक ज़रूरत है आपकी, लेकिन आई थिंक विजुअल मीडियम है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है वो बिकम्स बेटर। मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आई थिंक टैलेंट भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ ब्यूटी अगर होती तो मेरे ख्याल से और बहुत लोग सुपरस्टार्स बन चुके होते। सो वो भी ज़रूरी है, स्क्रीन प्रेजेंस ज़रूरी है, विजुअल मीडियम है, ऑल ऑफ दैट, लेकिन टैलेंट ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जो आके पर्दे पे करते हैं, दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। इन द लॉन्ग रन आई थिंक टैलेंट टेक्स यू मच फर्दर देन ब्यूटी।
No, I don't think so. I think, yes, of course, it is important. You know, a lot of our directors and producers do go first. Achha, bahut khoobsurat ladki hai, toh we should cast her. But, you know, at the end of the day, a pretty face will get you through the door. But then your talent has to live up to your first impression. So it is important to be a good actor. It is important. I think that the audience should have some connect with you. They should fall in love with one part of you. And if they fall in love with one part of you, then a star is born. That's what I believe. बहस से इतना तो साफ हो गया कि आज भी बॉलीवुड ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है. लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि टैलेंट की जगह भी आज तक ना कोई इंडियन सिनेमा में ले सका है और ना कोई ले पाएगा. बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक और बड़ी डिबेट. क्या ऑडियंस और स्टार्स के लिए मैटर करते हैं मूवी क्रिटिक्स के स्टार? वेलकम बैक. चलिए देखते हैं साल 2012 की एक और बड़ी डिबेट, जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं बिग स्टोरी के रिपोर्टर्स. साल 2012 में कई ऐसी फिल्में आई जिन्हें क्रिटिक्स ने तो क्रिटिसाइज किया लेकिन दर्शकों ने खूब सराहा. वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिन्हें क्रिटिक्स ने तो अप्रिशिएट किया लेकिन ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया. ऐसे में बहस छिड़ना तो आम था. क्या दर्शकों के लिए और स्टार्स के लिए मैटर करते हैं क्रिटिक्स के स्टार्स? वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार. क्रिटिक्स के दिए इन स्टार्स को देखने के लिए ही बॉलीवुड स्टार्स बेताब रहते हैं. लेकिन इसी बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनके लिए क्रिटिक्स की रेटिंग कोई मायने नहीं रखती. ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस साल कई ऐसी फिल्में आईं जिससे ऑडियंस ने तो सराहा लेकिन क्रिटिक्स ने नहीं, और इसका उल्टा भी हुआ. ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी था, क्या ऑडियंस और स्टार्स के लिए मैटर करते हैं क्रिटिक्स के दिए गए स्टार्स? वेल, जब ये सवाल बॉलीवुड से पूछा गया तो क्रिटिक्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच छिड़ गई एक बड़ी बहस. क्रिटिक्स जो कहती हैं उन पे ना भरोसा रखें और अपने अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप जाके देखें और फिर अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से कहिए. बस ये कहना चाहूंगा. For me, their reviews to me is like toilet paper. Too many people sitting in judgment for the film. And yeah, it's not nice. Unanimously, इस हमारे क्रिटिक्स जो हैं एक तरह की रेटिंग देते हैं. कुछ क्रिटिक्स आपके बारे में जानबूझकर बुरा लिखना चाहते हैं. No one likes criticism. अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं, और अगर आप उनकी तारीफ करते हैं तो वो भूल जाते हैं. बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है शुरू में, जब जैसे लोग बोलते थे अरे यार हम लोग ने टाई अप करा है तुम्हारे साथ, यू नो लाइक बी काइंड टू अस. बट बी काइंड इफ द मूवी इज गुड. ओके, इफ द मूवी इज नॉट गुड यू हैव टू बी एज फेयर एज पॉसिबल एंड बी एज क्लीन एज पॉसिबल. डिबेट से कोई कंक्लूजन निकालना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया जा सकता है कि फिल्म के असली क्रिटिक्स और कोई नहीं बल्कि जनता ही है, जिनके डिसीजन पर ही या तो फिल्म हिट हो जाती है या फिर जाती है पिट. बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इस साल की एक और बड़ी डिबेट. क्या बॉलीवुड में सस्ती है स्टंटमैन की जान? आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और हम आपको दिखा रहे हैं बिगेस्ट डिबेट्स ऑफ 2012. चलिए अब आपको दिखाते हैं इस साल की एक और बड़ी डिबेट. 23 जून 2012 को सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के सेट पर 3 स्टंटमैन बुरी तरह से घायल हुए. सलमान खान ने उन्हें जल्दी से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, लेकिन इस मुद्दे के बाद बॉलीवुड में छिड़ गई एक बहुत बड़ी जंग. क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टंटमैन की सस्ती है जान? सलमान खान की फिल्म के सेट पर हुआ एक बड़ा हादसा.
स्टंटमैन हुए घायल और डिबेट हो गई आम। क्या बॉलीवुड में सस्ती है स्टंटमैन की जान की कीमत? क्या सितारों के लिए अपनी जान से खेलने वाले स्टंटमैन को मिलता है उनका ड्यू क्रेडिट? वेल, बॉलीवुड बिग स्टोरी ने जब इस मुद्दे पर बॉलीवुड से बात की तो छिड़ गई एक बड़ी बहस। तो हमारी जो ये चीज़ है ना कि हम लोग मतलब जॉब के तौर पे ये करते हैं, अभी डुप्लीकेट जैसे करते हैं, हमारा चेहरा तो आता नहीं है, हम लोग तो बैकग्राउंड में ही करते हैं। तो जैसे वाइड शॉट रहता तो हम लोग दूर से दिखते हैं, तो पब्लिक को लगता है कि हीरो ही कर रहा है ये, तो करते हम लोग हैं। कई जगह जो है हादसे हो गए, लोगों ने जान दे दी, लोग मर गए, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन साइट से कोई नहीं आ पाता। It's ridiculous the way our stars are paid and the way everyone fawns over them, whereas you can't even guarantee basic safety for the person who's acted as the double. It's ridiculous. So these are things that, you know, people have to take pride in. इसमें रिस्क ये है कि मैंने जो आपको बताया कि उम्र तक ही रिस्क ले सकते हैं ना आप, या बॉडी आपका उस तक साथ देगी। तो हमारी जो स्टंट वालों की जो बेसिक कहानी आप बोल रहे हैं कि उसमें रिस्क ज़्यादा है और एक उम्र तक वो अपना बॉडी उसका जवाब देगी ये सब काम करने के लिए, ब्लो खाने के लिए, गिरने के लिए, पलटने के लिए, गाड़ी से उड़ने के लिए, उसमें एक्सपर्ट होते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन इनकी सिक्योरिटी के लिए, आगे लाइफ के लिए ज़रूर कुछ होना चाहिए जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। ये थी बहस, लेकिन बिग स्टोरी ने जब स्टंटमैन की जिंदगी को भीतर से जानने की कोशिश की तो कुछ ऐसी दर्द भरी कहानियां सामने आई जिन्हें सुनकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा कि मजदूर मर गया, कंपनसेशन देने में कानूनी कार्रवाई आ जाती है। हम लोग घर से जैसे ही निकलते हैं तो हमको नहीं पता शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी भी हमारा एक स्टंटमैन है जो पैरालाइज्ड है पूरा, आज भी वो अपने घर के खर्चे से खुद काम चला रहा है, उसे कोई कमाई का जरिया नहीं है। मतलब उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या है स्टंटमैन की लाइफ, मतलब कुछ नहीं है। एक बार अगर वो कुछ हो गया उसे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक स्टार को खरोंच लग जाती है तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन अगर एक स्टंटमैन हमेशा हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाता है या फिर जिंदगी को छोड़ कर चला जाता है तब भी उसे कोई नहीं पूछता। शायद यही है चकाचौंध दिखाने वाले बॉलीवुड की अनबिलीवेबल लेकिन घिनौनी सच्चाई। Well, with that, it's a wrap. We will be back next year with a fresh debate show. Same time, Saturday, 12:30 p.m. and Sunday, 8 p.m. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.